एक समय था जब अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी और विकास को लेकर काम हुआ करता था। समाज में महिलाओं के योगदान के लिए और उनके हालात बेहतर करने के लिए कई तरह के सोशल रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें शामिल था नया ड्रेस कोड जो काबुल में औरतों को परमिशन देता था कि महिलाएं चाहें तो पर्दा न करें और उन्हें वेस्टर्न कपड़े पहनने की भी आजादी दी गई थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई। एक तरफ जहां अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत काबिज हुई, तो दूसरी तरफ ही तालिबान के द्वारा महिलाओं पर थोपे गए कई प्रकार के क्रूर कानूनों ने वहां की महिलाओं की स्थिति को पहले से खराब बना दिया। और तो और, देश बेरोजगारी, भूख, गरीबी, सुरक्षा और लिंग आधारित प्रतिबंधों से भी पीड़ित है। तालिबान शासन में महिलाओं की अब वो तस्वीर है जिसमें अंधेरा है, जो धुंधली है, जिसका ख्याल ही डराने वाला है। लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, औरतों के काम पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन अब अपने मौलिक और महिला अधिकारों के लिए लड़ने के लिए काबुल में महिलाओं के एक समूह ने क्रांति की घोषणा कर दी है। स्थानीय खबरों के अनुसार महिलाएं तालिबान द्वारा लगाए गए लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध हटाने और महिलाओं को नौकरी के लिए काबुल की सड़कों पर निकली हैं और आजादी की मांग कर रही हैं। महिलाओं के अधिकारों की मांग करने वाले आयोजनों से जुड़ी महिला दोनिया सफी के अनुसार आंदोलन का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के मूल अधिकारों की रक्षा करना है, क्योंकि मूल अधिकारों तक पहुंच नागरिकों के लिए एक गंभीर आवश्यकता है। सफी ने बताया कि हमने महिलाओं के खिलाफ अन्याय और असमानता से लड़ने के लिए ये अभियान शुरू किया है। आगे सफी ने कहा कि आंदोलन के समर्थकों में छात्र, शिक्षक और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई पूर्व सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि तालिबान द्वारा शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के कारण अफगान महिलाओं और लड़कियों के मूल अधिकारों को कुचल दिया गया है।